जय माता रानी की, दया करिए हे माँ, दया करिए माँ, दया करिए। देखिए भक्तों, किस तरह से सरल पूजा नवरात्रि में मैंने किया है, यही आपको दिखा रही भक्तों। तो पहले आसन लगा लिए हैं, उसके बाद से चावल थोड़ा दे करके और माता जी का फोटो रख लिए। इधर गणेश जी को स्थापित कर लिए हैं भक्तों, गणेश जी को थोड़ा चावल दे करके स्थापित कर लिए। फिर इनको जो है रक्षा सूत्र से इनको वस्त्र धारण कराए हैं, इस वक्त टीका किए हैं गणेश जी का पहले, फिर उनको फूल अर्पित कर दिए हैं, पानी का छीटा दे दिए थे और इसके साथ ही भोग अर्पित कर दिए हैं गणेश जी को। और इधर माता रानी को चुनरी जो है ओढ़ा दे रहे हैं। देखिए इसी तरह से सरल पूजा मैंने नवरात्रि में किया है। तो माता रानी चुनरी को ओढ़ा करके एक माला धारण करा रहे हैं, देखिए। और इसके बाद से माता रानी को टीका कर दे रहे हैं रौली से, और इसके साथ ही हमारे जो है गणेश जी को और माता रानी को सिंदूर लगा दे रहे हैं। फिर माता रानी को हम देखिए भक्त फूल अर्पित कर ले रहे हैं। बहुत ही सरल विधि से इस तरह से पूजा देखिए घर में किए हैं, मंदिर में, अपने घर के मंदिर में इस तरह से पूजा करना चाहिए, जो सरल विधि होता है। इसके साथ ही दीप हम प्रज्वलित कर दिए हैं, ये देखिए। तो माता रानी की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। और इसके साथ ही देखिए दोस्तों, आपके पूरे परिवार पर, आप पर, सब पर माँ का दया बरसती रहे और माता रानी दया करती रहे। एक मैंने छोटी मूर्ति बनाई थी माँ की, ये भी स्थापित कर दी है माँ के पास ही, ये देखिए भक्तों। इसके साथ ही माँ को धूप अगरबत्ती इसको दिखा दे रहे हैं माँ को। तो बहुत ही सरल विधि से मैंने पूजा किया घर के मंदिर में माता जी का, इसी का ब्लॉग दे रहे हैं भक्तों। और इसके साथ ही देखिए भक्तों, माता रानी को मैंने भोग अर्पित कर दिया है, बर्फी बनाया था नारियल का, वही माँ को अर्पित कर दिए हैं। इसके साथ ही लौंग और छोटी इलायची अर्पित कर दिए हैं माँ को। तो बहुत ही छोटी सी पूजा और बहुत ही सरल पूजा है, जिसे आप झटपट कर सकते हैं। इसके साथ ही माँ को बतासा अर्पित कर दिया, माँ को बतासा जरूर अर्पित करना चाहिए। और इस श्रृंगार का सामान में चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, ये सब माता को अर्पित कर दिए हैं भक्तों। तो माँ पर हमेशा कृपा अपनी बनाए रहे हैं। मैं इस तरह से घर में बहुत ही सरल विधि से पूजा की हूँ, उसी का ब्लॉग आपको दे रही हूँ। ये देखिए श्रृंगार का सामान मैंने माँ को रख दिया है। तो माँ सब पर अपनी दया कृपा हमेशा बरसाती रहती हैं। ये भोग भी मैंने केला अर्पित कर दिया है माँ को। तो आप भी इस तरह से सरल विधि से पूजा अपने घर में कर सकते हैं, बहुत ही सरल विधि से, और माँ को जल अर्पित कर दिए हैं। इस तरह से नवरात्रि में लोग पूजा कर लेते हैं जिनके पास समय नहीं रहता है, या फिर बहुत लोग होते हैं जो इसी तरह से पूजा करते हैं अपने घर में माता रानी का, उसी तरह से मैं की हूँ। और माँ को लास्ट में जो है चालीसा पढ़े या दुर्गा सरस्वती का पाठ पढ़ लें, जो भी आपको सरल लगता हो, जो समय के अनुसार जो आपको अच्छा लगता हो उसको आप कर सकते हैं। इधर माँ की आरती उसके बाद कर लेंगे। तो ये देखिए माँ की आरती मैंने कर दिया है, माँ की चालीसा मैंने पढ़ा था और माँ की चालीसा पढ़ने के बाद मैंने माँ की आरती कर दी है। इस तरह से माँ का सरल विधि से पूजा अपने घर में मैंने किया है भक्तों। तो आप भी जरूर करिए, बोलिए जय माता रानी, हर हर महादेव।